उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने ब्राह्मणों को मनाने की सियासी कवायद तेज कर दी है, क्योंकि फिक्र 12% वोट बैंक के खिसकने की है। बीजेपी के लिए ऐसी ही एक और सियासी फिक्र जो है वो है पंजाब से आई है। 5 राज्यों में चुनाव से ठीक पहले चंडीगढ़ निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बड़ा उलटफेर कर दिया है। सत्तासीन बीजेपी को पटखनी देते हुए आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। खुद बीजेपी के मेयर रविकांत शर्मा चुनाव हार गए, हालांकि मेयर पद को लेकर धुंध जो है वो बरकरार है। तीनों दलों में रेस जारी है, फिर भी राजनीतिक विश्लेषक इसे पंजाब के लिए बड़ा इशारा बता रहे हैं। सवाल है कि क्या चंडीगढ़ के परिणाम पंजाब विधानसभा चुनाव पर असर डालेंगे? एक बड़ा सवाल यह है कि क्या पंजाब में अर्बन या रूरल या दोनों पर आम आदमी पार्टी अपनी छाप छोड़ रही है? आज हम चुनावी चौखट पर खड़े पंजाब के सबसे बड़े सवाल को समझेंगे, लेकिन पहले चंडीगढ़ निगम चुनाव के नतीजों को देख लीजिए। चंडीगढ़ निगम में कुल 35 सीटें हैं। इन सीटों के नतीजों में आम आदमी पार्टी को 14, बीजेपी को 12, कांग्रेस को 8 और अकाली दल को 1 सीट हासिल हुई। चंडीगढ़ की बात हो रही है। इस तरह से नगर निगम में सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी बन गई। हालांकि चंडीगढ़ के सांसद के पास भी मेयर चुनाव के दौरान 1 वोट होता है। इस तरह से बीजेपी के पास अभी 13 वोट है, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 14 वोट है। नियम यह कहता है कि मेयर चुनाव के दौरान जिस भी पार्टी के पास विरोधी पार्टी से ज्यादा +1 ज्यादा वोट होगा, मेयर उसी का बनेगा। और चंडीगढ़ निगम में बहुमत साबित करने के लिए इतना ही आंकड़ा चाहिए। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक फ्लोर टेस्ट के दौरान क्रॉस वोटिंग की आशंका जता रहे हैं। अगर आशंका से उलट नतीजे के हिसाब से ही वोट पड़े तो आम आदमी पार्टी का चंडीगढ़ नगर निगम पर कब्जा हो सकता है, लेकिन इस राह में अभी रुकावटें हैं। हमने आज इन रुकावटों के साथ ही आम आदमी पार्टी की जीत की वजह और संदेश को समझने की कोशिश की। हमारे रिपोर्टर ने चंडीगढ़ में नेताओं के साथ ही आम लोगों से भी बात की। चंडीगढ़ निगम चुनाव में जीत का जश्न हर पार्टी मना रही है, चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी या फिर कांग्रेस। तीनों के नेता और कार्यकर्ता थिरक रहे हैं, लेकिन नतीजों से संदेश साफ है। चंडीगढ़ के नगर निगम की सत्ता से बीजेपी बाहर हो गई है और कांग्रेस का हाथ आज भी खाली है। लेकिन पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी की धमाकेदार एंट्री हुई। पहली बार निगम चुनाव में उतरी आप 14 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई और मेयर पद की रेस में भी सबसे आगे है। अब तो पार्टी इस जीत को आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वरदान मान रही है। केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की हुई है और चंडीगढ़ के वोटर्स ने एक आवाज में ये कहा कि एक मौका केजरीवाल लूं। चंडीगढ़ में मिली जीत आपके लिए चुनावी बूस्टर से कम नहीं, लेकिन मेयर पद को लेकर पेच फंसा है। हार के बाद भी बीजेपी के दावे कमजोर नहीं पड़े हैं। बीजेपी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को साथ लेकर मेयर बना लेने की चुनौती दे रही है। नहीं, हम किसी प्रकार का जो है वो तोड़जोड़ करेंगे। हम जो है बिल्कुल इनको कह रहे हैं कि हम इनको चैलेंज कर रहे हैं कि दोनों पार्टियां अगर ये मानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वर्डिक्ट है तो दोनों मिलकर सरकार बनाए। हालांकि कांग्रेस ने अभी से अपने पत्ते खोल दिए हैं। पार्टी के स्थानीय नेता दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस किसी कीमत पर आम आदमी पार्टी का मेयर नहीं बनने देगी। लेकिन बायलाज मैं इतना जरूर कह दूं, उनके मेयर बनाने में हम कोई मदद नहीं करेंगे। विरोध करेंगे बिल्कुल भी नहीं। हम क्यों इकट्ठे होंगे? जिस पार्टी ने चुनावी बेईमानी के पैसे के साथ लड़ा हो, झूठे वादे किए हों लोगों को, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं थे, कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ रहे हैं, वादे वो सरकार के कर रहे हैं। इन सियासी दावों के बीच आप ताल ठोक कर कह रही है कि चंडीगढ़ का मेयर तो उसकी ही पार्टी का बनेगा, लेकिन सवाल है कि आखिरकार पहली बार निगम चुनाव में उतरी आपने पुरानी पार्टियों को किनारे कैसे लगा दिया? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने स्थानीय लोगों से बात की। ऐसा है, जनता परेशान आई हुई थी बीजेपी और कांग्रेस से, इसलिए ये बदलाव की बयार है, बदलाव का वोट है। आम जो लोग हैं वो परेशान थे। बिल्कुल जी, ऑप्शन एक मिला है हमें और देखते हैं कि ये पार्टी क्या करती है। बाकियों को भी देखा एक बार, जरा आपको भी देखते हैं। कांग्रेस और बीजेपी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि हमें तो कोई हरा ही नहीं पाएगा। तो अगर एक ऑप्शन होगा सर नेचुरली, तो इनको भी थोड़ा सा डर रहेगा, थोड़ा ये भी डेवलपमेंट करेंगे सर, तो शहर के विकास के लिए बहुत जरूरी है सर कि कोई और भी उभर के आए। सर साफ है, काम के बजाय सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से चंडीगढ़ की जनता नाराज थी, तीसरे विकल्प की तलाश में थी। ऐसे में केजरीवाल के मैदान में उतरने से स्थानीय चुनाव बड़ा मुद्दा बन गया। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पूरी दिल्ली ब्रिगेड के साथ खुद को भी चुनाव प्रचार में झोंक दिया और इसका फायदा पार्टी को मिला। इस बार आम आदमी पार्टी ने पूरी शिद्दत के साथ तमाम सीटों पर चुनाव लड़ा और इस चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया। त्रिकोणीय मुकाबले में लगातार
आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरी कोशिश की गई, पूरी दिल्ली ब्रिगेड को चुनाव प्रचार में उतार दिया गया, खुद अरविंद केजरीवाल भी चुनाव में प्रचार करने के लिए पहुंचे और बीजेपी ने भी चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए पूरा जोर लगाया। कई केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी ने पूरी प्लानिंग के साथ हर सीट पर सर्वे करवाकर अपने कैंडिडेट उतारे। यकीनन चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के नतीजे ने कई समीकरण बदल डाले हैं, जिससे गदगद आपको भी यकीन है कि चंडीगढ़ के नतीजे पंजाब विधानसभा चुनाव पर भी असर डालेंगे। लेकिन सच ये भी है कि सियासत में समीकरण बदलने में वक्त नहीं लगता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।